सर वो ईमेल्स हाँ का वो बस रिप्लाई टू कर दिया करें विद कंफर्म या रिसीव, क्योंकि वो पता नहीं चलता ग्राहक आने देखे हैं या नहीं। ईमेल पहुंच जाती है, कोई संस्था नहीं है, वो दरमियान नहीं रहेगी कहीं, तो कुछ नहीं होता, देख लेंगे हम नहीं बाद सर में, मैंने ठीक कहा वो है। आके नजर से ना गुजरे बस। अच्छा चलिए, हाँ ठीक है, सही है, विल डू दैट। तो बेसिकली व्हेन अबू बकर विल बी चेकिंग, इनफैक्ट जस्ट मार्किंग योर मार्क्स ऑन दीज असाइनमेंट्स, आई विल आस्क हिम टू रिप्लाई टू योर ईमेल्स एट दैट पॉइंट एज वेल, ताकि वो कंफर्म हो जाए कि आपकी वो कंसिडर कर ली हुई है, ठीक है। और आपके मार्क्स ऑफ कोर्स जब गूगल क्लासरूम पे अपलोड होंगे, यू कैन ऑल्सो वेरीफाई कि कुछ हमने मिस तो नहीं कर दिया, एंड मेक श्योर दैट यू आस्क अस टू रीचेक इफ यू मिस समथिंग, ठीक है। ठीक ओके, हो नाउ प्लीज ओपन योर आर स्टूडियोज, एंड टुडे वी वॉन्ट टू स्टार्ट विद सम प्लॉटिंग इन आर, एंड यू विल सी हाउ वी कैन बिल्ड सम वेरी प्रिटी विजुअलाइजेशंस एंड वेरी यूजफुल विजुअलाइजेशंस इन आर, एंड हाउ यू कैन कस्टमाइज देम अलॉट एज वेल, जो हमारे लिए एक्सेल में जो है वो पॉसिबल नहीं था करना। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ओपन आर स्टूडियो, एंड वॉट यू शुड डू इज यू शुड इंस्टॉल दीज पैकेजेस फॉर नाउ, सर कॉन्ट सी योर स्क्रीन। ओके सो लेट मी चेंज माई स्क्रीन। आप लोगों को पीडीएफ नजर आ रहे हैं? ओके ओके, यू शुड बी एबल टू सी माई स्क्रीन नाउ। ओके सो व्हाट यू नीड टू डू इज डू फर्स्ट इज रन दीज कमांड्स, इंस्टॉल पैकेजेस, यू फर्स्ट नीड टू रन ggplot2, यू नीड टू इंस्टॉल दिस पैकेज, तो ये वो लॉस्ट एंड फाइल पे ही करना है या हमने बस एक ब्लैंक नया और स्टूडियो खोलना? नई फाइल यहाँ पे, आप यहाँ पे ना लेफ्ट साइड पे टॉप पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन होगी न्यू आर स्क्रिप्ट ओपन करने की, तो आपको बस एक नया टैब सा खुल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। दे कैन स्टार्ट अ न्यू फाइल हियर बिकॉज इट्स अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम व्हाट वी वर डूइंग बिफोर, इट्स अ डिफरेंट लाइब्रेरी एंड इट्स और हमने आज प्लॉटिंग करनी है बेसिकली, ठीक है। सो यू कैन ओपन अ न्यू फाइल फॉर दिस। ओके सो इंस्टॉल पैकेजेस ggplot2 एंड अनदर पैकेज दैट इज फोरकैट, ठीक है। ये आपको दोनों पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं फॉर नाउ। लेटर ऑन वंस वी आर डन विद दिस क्लास, प्लीज इंस्टॉल दिस एज वेल, इंस्टॉल पैकेजेस टाइडी वर्स, डोंट डू इट राइट नाउ बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग एल्स इन दैट टाइम। तो ये टाइडी वर्स आपको बाद में इंस्टॉल करना है आफ्टर द क्लास, फॉर नाउ you just need to install these two packages in ggplot2 and forecats, it should not take a lot of time, so please do it quickly, so ye dono aap install kar le, tidyverse aapne baad mein karna hai, okay। so once you are done with this you need to load the package, and the way to do that is this command library ggplot2, और दूसरा भी लोड कर लें बेशक साथ, ये फोर कैट्स और जीजी प्लॉट टू, यू कैन लोड बोथ ऑफ दीज, एंड वी गोइंग टू बी वर्किंग विद दीज लाइब्रेरीज टुडे। एनी इश्यूज, इज एवरीवन एबल टू डू दिस? सर कुछ भी हुआ बिग स्लो भी रहा तो मुझे कार्ड भी नहीं खुला। ओके सो ऑल वी हैव डन अभी तक इज के यू हैव टू इंस्टॉल दीज टू पैकेजेस, install.packages ggplot2 and install.packages forecats, ये दोनों packages आपको install करने हैं that I've highlighted, I'll give you a few seconds कि वो install हो जाएं। Okay, so I hope it's done for everyone. Now, what you need to do is you need to run these two, load these two libraries into your current environment, ggplot2 and forecats. आपको ये command use करनी होगी, library. And now let's look at what you can do with this. So
ggplot2 is basically a very commonly used library for all kind of visualizations in R. It actually allows you to do a lot of customizations. Jo bhi cheez aap specifically karna chahte hain, almost anything that you can think of that you want to visualize, you would be able to do it using this one way or the other. Of course, you'll have to do a lot of search for it, a lot of googling to find out the exact way to do it. Agar aap bahut zyada usko customize karna hai. However, the capability is there ki aap almost har cheez isko use karke build kar sakte hain. Acha. The way this library works is that you're going to have different layers that are going to be put on top of each other. So for example, ek sabse jo base layer hoti hai, that is the data itself, ki aapne data kya input karna hai. And then there are six other layers, different kinds of layers that ggplot allows, and they have different functions. Mm-hmm. So for example, there's a layer called aesthetics, and what that basically is used to tell ggplot what is going to be the positions of the different inputs that you are giving to it. For example, aapne ek variable ko x axis plot karna hai, y axis plot karna hai, उस वेरिएबल को आपने क्या डिफरेंट कलर्स में शो करना है, डिफरेंट शेप्स में शो करना है, या उसको साइज डिफरेंट करना है उसके विजुलाइजेशन में. देन देयर इज अनदर लेयर दैट इज द ज्योमेट्री लेयर, एंड दैट्स बेसिकली गोइंग टू स्पेसिफाई कि व्हाट काइंड ऑफ विजुलाइजेशन यू गोइंग टू यूज, व्हिच कुड बी आइदर लेट्स से अ बार चार्ट, pie chart, a scatter plot, and all the different kinds of visualizations that you know about, that's going to be specified by this geometry layer. So these are the three layers that are basically essential for making any kind of visualization in using ggplot2. And then you have some other layers that are optional, and they are generally used to enhance the visualization or to achieve the kind of customization that would not be possible with these base commands. So ye teen jo necessary commands, and these are what we are going to be discussing today. So geometry mein aap kya kar sakte hain, aap specify kar sakte hain, aapne line chart banana hai, bar chart banana hai, box plot banana hai, or anything that you want. So these are the three layers that we're going to work with: data, aesthetics, and geometry. Okay, so I'll be using the same data set today as well. So you have that car seats data already with you. Car seats, jo humne last two sessions se jis pe kaam kar rahe hain. What you have to do is you have to first load that data in RStudio. And again, you have to use the same command for that, car seats underscore df. You have to मैं आपने उसको सेव कर लेना है, और या फिर ये कमांड यूज करनी है, दैट इज रीड डॉट सी एस वी कार सीट सेल्स डॉट सी एस वी. दिस लोड दिस फाइल एंड सेव इट इनटू दिस वेरिएबल. सो वी हैव बीन डूइंग दिस मल्टीपल टाइम्स. बिफोर यू डू दैट, यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी वही हो जहां पे आपने ये फाइल सेव की हो. ठीक है, नाउ वंस यू रन दिस. यस यस सर. सर पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है लेकिन लाइब्रेरी लोड नहीं हो रही. What error are you getting? There is no package. Even though if I install it, toh kehte hai ki package installed. Which package are you talking about? Ggplot. Ggplot 2. This is ggplot 2. Okay. Yes. Just give me one second. Sorry. Just give me one second. Baba. Okay, so just give me one Baba. Second. Baba. Baba. Wait a minute. Baba. Okay, so now the chat is enabled. आप लोग कर सकते हैं आपस में, ठीक है? So let's continue. I hope the issue is resolved quickly. Okay, so you have these three layers in this that you can use. So let's load the data first. जब आपने load कर लिया data, you can have a look at the data again. Wohi same data hai jo hum use kar rahe hain tab se. Okay, so now let's try to see what we can achieve using ggplot2. So I'll start with this example. So sabse pehle aap kya karenge, you have
you'll run you have this command that is ggplot2. ये function है ggplot2 के अंदर ggplot का function है, ठीक है? For any kind of visualization you will be using this function ggplot2. ggplot हमने हमेशा use करना है, ठीक है? Now inside this function, the first argument, the first input is going to be the data that you're using. Okay, this is the first input, car seats underscore df. And then the second input generally is going to be the mapping that you want. So in this case, abhi ke liye hum kya karenge? Aesthetics ek input hai. Iske andar you're going to tell ggplot2 what you want on the x-axis and what you want on the y-axis. So what I want to do is I want to plot price on the x-axis and unit sales on the y-axis. Okay, that's what I want to do here. So that's why I have this argument aesthetics outside, because remember aesthetic wo argument hai, just aesthetic wo function hai jiske andar aap ye define kar sakte hain ki kin points ko aapne kis tarah se represent karna hai, kin variables ko kaise represent karna hai. So if any kind of like anything like this has to be passed inside this aesthetics argument. Okay, so once you do that, now ggplot knows ke aapne ye do variables use karne. For now x coordinate pe it has to be price, y coordinate pe it has to be unit sales. Now remember in dplyr we had, excuse me sir, yes सर, थोड़ा सा इशू आ रहा है मेरी जो इसको मैंने सेट एज वर्किंग डायरेक्टरी सब कुछ कर दी है, लेकिन मेरी ये जो फाइल है अभी तक रीड नहीं कर रहा है इसको, जो कार सीट्स और डीएफ हमने ऊपर वेरिएबल बनाया उसके अंदर जो वो रीड नहीं कर रहा. प्रॉब्लम क्या आ रही है? एरर आ जा रहा है इसके अंदर. एरर क्या आ रहा है कि वो आपकी फाइल नॉट फाउंड? हां जी, कैन नॉट ओपन द कनेक्शन. Cannot open the connection या file not found. पहले लिखा हुआ है cannot open the connection और फिर लिखा हुआ है no such file in or directory, जबकि मुझे नजर आ रहा है सामने वो right side पे. मैंने इसको directory में set कर दिया. More पे जाके set as working directory कर दिया आपने? हाँ जी, कर दी. Okay, and make sure name के अंदर you are exactly same होना चाहिए. Dot csv भी आपने end पे लिखना है. हाँ जी, लिखा हुआ है. और inverted commas में है? Inverted commas में सर, वो दूसरे टैब में मैंने लोड की हुई है, वो हो रहा है, बस इसमें नहीं हो रहा. ओके, अब यू कैन ट्राई करके देखूंगा. अभी ट्राई कर ले, लेकिन फॉर नाउ व्हाट यू कैन डू इज अब यू कैन वर्क ऑन द अदर फाइल, उसी या दूसरी फाइल जो ऑलरेडी लोडेड है वहां पे कर ले. ठीक है सर, जरा काइंडली एक टास्क के फौरन बाद ही अगर आप ये रिकॉर्डिंग अपलोड कर दे तो अच्छा होगा. I will try to do it by tonight. ठीक है? ठीक. Thank you. Okay. Okay. Now let's try to do it quickly. We don't have a lot of time today. I'll be ending the class early today at 1. So I want to cover a few things before that. Okay. So ggplot, उसके अंदर you have passed this data. And you have specified कि आपने x और y use करने हैं. Now remember dplyr के अंदर we had this thing, this thing called a chain function जो आपको next line के साथ connect करता था, right? Chain operator जो हम use करते थे dplyr के अंदर. This plus at the end behaves very similarly. ये भी क्या करेगा? हर line के बाद when you add plus, that means के जो नेक्स्ट लाइन में वो कमांड अब लिख रहे हैं, जो पीछे आपने कर लिए आप उसके अंदर एक और लेयर ऐड कर रहे हैं. सो यू आर एडिंग लेयर इन एवरी लाइन दैट यू आर एडिंग टू दिस कोड हियर. ठीक है, इस लाइन में आप जब प्लस प्लस करके यू कैन ऐड मल्टीपल लेयर्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर इन द प्लॉट दैट यू आर ट्राइंग टू मेक. ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ क्या स्पेसिफाई किया है कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. नाउ द नेक्स्ट लेयर इज गोइंग टू बी दिस ज्योमेट्री लेयर. आपने बताना है उसको कि आपने ड्रॉ क्या करना है. सो यू हैव टू पुट दीज वेरिएबल्स ऑन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, दैट्स फाइन, बट देन यू हैव टू ऐड अनदर लेयर टू टेल कि यूजिंग दोस वेरिएबल्स व्हाट इज इट दैट यू वांट टू प्लॉट, व्हाट काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन यू वांट टू मेक आउट ऑफ इट. सो हियर व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम प्लॉटिंग दिस जीओम
पॉइंट, इसका मतलब ये होगा इन सारे वेरिएबल्स को वो पॉइंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देगा. एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, दैट्स बेसिकली व्हाट द डेफिनेशन ऑफ अ स्कैटर प्लॉट इज, कि वो सारे वेरिएबल्स को एज अ स्कैटर डायग्राम प्लॉट कर देगा. लेट्स ट्राई टू रन दिस. इसको रन करेंगे, राइट साइड पे जहां पे आपके पास वो फाइल्स आती थी, एक आपके पास टैब होता है वहां पे प्लॉट का, प्लॉट्स का. सो यू विल सी ऑल योर प्लॉट्स हियर इन दिस विंडो ऑन द राइट. So if you run this, you should see a scatter plot like this. So if you look at this figure, you see what is the overall trend generally from this figure. As the price is increasing, the sales are overall decreasing. And that's what you would expect as well. Kya prices increase karte hain, your sales are likely to go down. That's exactly what's happening here. Now, what you can do is you can add more things to this graph. So abhi humne sirf kya kiya, humne do variables add kiye and we said make a scatter plot out of it, points plot kar dena, theek hai. Now let's say I want to do the same thing using another variable. Main kya kar sakta hu, let's say main price kisi bhi, remember ye data kya tha, you have data about 400 different stores that are selling these car seats, or in different stores where different locations ke upar hai. You have the average price of the store, average price that the store is selling the car seats for, and you also have the competitor's price in that region. Agar aap in dono ko plot kare, what do you expect to see? So anyone, if I were to plot price and competitor's price on a same scatter plot like this, what should I expect to see? Trend कैसा आना चाहिए? Should it be upward sloping? Should it be downward sloping? Should there be no relationship at all? How should it be? Direct relation होगा क्योंकि competitor जैसे price increase करेगा, you would consider doing that too. Yes, so generally speaking, you would expect कि एक single location के अंदर काम कर रहे हो, तो the prices are going to be comparable because it's a competitive market, so. आप अगर सिमिलर प्रोडक्ट सेल करें, the prices are going to have the same trend in a sense. If you plot this thing, you see a plot like this. So you have price on the x-axis, you have competitor's price on the y-axis, and you have this upward trend like this. ठीक है? Now, what you can also do here is you can use अभी देखें price or unit sales or price or competitor's price. These were both continuous variables. So price be continuous variable hai, competitors price be continuous variable hai, unit sales be continuous variable hai. You can also use categorical variables here. Aur us pe lekin the trend that you see there is going to be a bit different. Uska format different ho jayega is plot ka. So let's try doing this. So we have a categorical variable in our data, that is shelf location, right? Shelf location के क्या क्या possible values हैं? Let's look at the data. It can either be bad, good, or it can be medium. So you have just 3 different possible values हैं इसके. Let's try to run this. हम shelf location और unit sales का trend देखते हैं कि shelf location को अगर हम x-axis पर रखते हैं और unit sales को देखते हैं तो उसका क्या trend आता है? You see something like this. So what does this mean? Any idea what does this show? So sales and shelf location. Good वाले की sales ज़्यादा हैं, bad वाले की कम हैं और medium वाले की थोड़ी दरमियान में. ये तो range नहीं show करेगा. Yes, so that's the first point. The first point was के overall अगर हम देखें तो good is somewhere good where the shelf location is good. You have more sales generally. उसके बाद medium and then you have bad. And it's also showing the range in the sense ki aapke paas minimum lowest point and the highest point. Yes, so you have the lowest points and the highest points. So for good shelf location, for example, around you're getting the lowest sales at around 3000, right? So jahan bhi aapki shelf location achhi hai, the lowest sales at that store at any stores with good sell location is around, let's say, 3,000 to 3,500, somewhere in that range.
So you can look at these two things from this. Achha. So categorical variable agar plot karenge, so it's going to look like this, ki wo us tarah se different categories ko alag alag se plot kar dega, like this. Now let's try something else. So let's look at that initial graph that we made. That was this one, jahan pe humne unit sales or price ko plot kiya tha. In fact, it should be the other way around. Price should be on the x-axis and unit sales should be on the y-axis. So abhi main sirf kya keh raha hu, jo humne upar command run ki thi, x on the x-axis, price on the x-axis, unit sales on the y-axis, and a simple scatter plot. This is what we got out of that, like something that looks like this. Now what we can do is we can also draw some sort of a line through these points, and let's see how it looks like. So hum in points ke through ek line draw kar dete hain. So for that we have this geom line function. Wo kya karega? If you do this, it gives you something like this. So what is it doing? It's going from left to right. और वो सारे पॉइंट्स को उसने सिंपली ज्वाइन कर दिया. नाउ ऑफ कोर्स ये डेटा हमारे पास इस तरह का है दैट वी हैव अ लॉट ऑफ वी हैव टू मेनी वैल्यूज, यहां पे इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ सेंस, बट दिस इज व्हाट दिस लाइन फंक्शन इज गोइंग टू डू. व्हाट एल्स वुड मेक सेंस हियर? क्या इस लाइन की इतनी सेंस नहीं बननी, तो व्हाट शुड एक्चुअली मेक सेंस हियर? अगर वो स्कैटर प्लॉट है, कौन सी लाइन की सेंस बनेगी? सर उनकी किसी एवरेज की? Yes, yes, Azhar. Sir, best fit line ki banegi. Best fit line. Yes. So you should draw a best fit line through it. Least squared line as well. So jo regression line jo bhi humne run ki hai, wahi regression line hum yahan pe bana sakte hain for this data. So instead of geom line, hum ye try karte hain. There's a function by the name of geom smooth here. So let's try to run it like this first. आप सिर्फ ये रन करें geom underscore smooth. इफ यू रन दिस थिंग यू कैन टू गेट अ फ्री फ्लोइंग लाइन लाइक दिस, फ्री हैंड लाइन लाइक दिस, दैट लुक्स लाइक दिस. रैंडम एक लाइन पासिंग थ्रू द कर्व, जो एक तरह से एवरेज लाइन उसने बना दिया यहाँ पे. ठीक है, नाउ इट्स नॉट फॉलोइंग एनी पर्टिकुलर फंक्शन, इट्स जस्ट अ फ्री हैंड ड्रॉइंग लाइक दिस. ठीक है, दिस इज वन पॉसिबिलिटी कि आप यहाँ पे लाइन से एक फ्री हैंड ड्राइंग इस तरह से बना लें. दैट्स व्हाट जीओम स्मूथ फंक्शन डज. बट लेट्स से व्हाट यू वांट इंस्टेड इज के वो बेस्ट फिट लाइन या फिर एक रिग्रेशन वाली लाइन, लीस्ट स्क्वायर्स लाइन यहाँ पे आ जाए. उसका क्या तरीका होएगा? इसमें एक मेथड आपका एक आर्गुमेंट होता है इनसाइड दिस, एंड यू कैन पुट मेथड इक्वल टू एल एम. LM basically is used for linear regression in R. So method, agar aap LM use karenge, so that's going to give you a best fit line using the regression method, the least squares regression line. So if you run this, it gives you this regression line. Okay, now this is a fairly straight line. Okay. And what about this shaded region around this line? Any idea what this is? It's a shaded region around the line. What could this represent? Standard deviation. Standard deviation, yes. So it's not exactly standard deviation. It's called a standard error. But the idea is, yes, very similar. That what are the kinds of errors that you would expect in this forecasted line. In this case, for example, you see the shaded part is much narrower when you have more points in the middle here, and it's a bit wider when you're outside of that region jahan pe bahut zyada points hain. Jahan pe kam points hain, yahan pe shaded part is much wider, and the reason for that is whenever you have more data
अराउंड अ रीजन, वहां पे योर प्रेडिक्शंस आर गोइंग टू बी मोर एक्यूरेट. अगर आप डेटा जो यूज कर रहे हैं फॉर प्रेडिक्शंस दैट उसमें प्राइसेस सारी बिटवीन 75 एंड 150 हैं, तो ऑफ कोर्स इन दैट रीजन योर फोरकास्ट आर गोइंग टू बी मोर एक्यूरेट. अगर आप बाहर प्रेडिक्शन करेंगे व्हेन योर प्राइस इज लेट्स से लेस देन 50 और ग्रेटर देन 175, दिस मॉडल मे नॉट होल्ड एज वेल एज इट वुड in this region in between. So wahan pe aapke error ke chances zyada hoenge and this region, this shaded part is going to be wider. Yes, Arham. So the method ka kya purpose hai? Okay, so if you do not give any method here, to wo aapko ek freehand line draw kar deta hai wahan pe. So that looks like this. Usne freehand draw kar diye passing through these points, wo ek tarah se average से पास करे. अगर आप वर्टिकली देखें तो इट्स ऑलमोस्ट गिविंग यू द एवरेज कि उस पॉइंट पे ऊपर और नीचे ऑलमोस्ट उतने पॉइंट्स हैं, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन नहीं है. तो जब हम मेथड का उसमें आर्गुमेंट ऐड करते हैं दैट इंश्योर्स दैट इट्स अ स्ट्रेट लाइन. एंड हाउ इज दैट स्ट्रेट लाइन कैलकुलेटेड? दैट्स बेसिकली using the linear regression. So LM जो आपने input किया है, ये उसको बता रहा है कि आपने linear regression से जो least squares line है, वो आपने plot करनी है instead. That will look like this. अच्छा. Now it can also have another argument. For example, let's say आप ये errors show नहीं करना चाहते. Let's say you think के it's not looking very nice on your graph or ये इतना ज़्यादा relevant नहीं है for the analysis that you're doing. You have this argument. SE, standard error, equals false. If you input this into this, that's going to remove that shaded part. By default, ये true होता है in this function. That's why it was showing earlier. अगर आप इसको false कर देंगे, तो वो आपको वो show नहीं करेगा standard error वाला part. It's just going to show you that best fit line like this. All right. Now. Let's try a few other things. So let's say what you want to do now is you want to draw different lines for different things. So for example, aap ki sari jo points hain isme different categories hain. Remember, there are some stores which have good shelf location, some have medium shelf location, some have bad shelf location. Some are inside the US, some are outside the US. So aap usko us tarah se categorize bhi kar sakte hain. So for example, in this case, let me try that. If that would work. Achha, pehle mujhe wo try karne de. If I put it there. Okay, yes, so this works. So ये देखें ऊपर वाली उसी कमांड के अंदर स्टैंडर्ड एरर के साथ what I've done is, अब मैंने एक aesthetics का function इसके अंदर डाल दिया. And what is that doing? That's basically telling this ggplot function कि जो आपने points plot किए हैं, in fact जो आपने line plot किए, because हम geom smooth के अंदर हैं. तो जीएम स्मूथ क्या करता है? जीएम स्मूथ इज एक्चुअली प्लॉटिंग द लाइंस. तो अब लाइन के अंदर ये एस्थेटिक्स वाला फंक्शन डाल रहे हैं एंड यू आर टेलिंग दिस फंक्शन कि आपने जो लाइंस बनानी है, यू शुड ड्रॉ मल्टीपल लाइंस एंड दे शुड बी ड्रॉन यूजिंग डिफरेंट कलर्स बेस्ड ऑन द शेल्व लोकेशन. ठीक है, तो हर शेल्व लोकेशन की आपने डिफरेंट लाइन बनानी है क्योंकि आपने जियोम स्मूथ के अंदर ये वाला फंक्शन डाल दिया. एस्थेटिक्स के साथ यू आर स्पेसिफाइंग अ कलर के आपने लाइंस को डिफरेंट कलर्स देने हैं बेस्ड ऑन देयर शेल्फ लोकेशन. सो इफ यू लुक एट द लाइन इनफॉरमेशन क्या मिल रही है? यस, सो लेट्स गेट टू दिस. सो इफ यू ड्रॉ दिस यू सी व्हाट यू सी हियर इज अ रेड लाइन फॉर बैड शेल्फ लोकेशन, अ गुड लाइन फॉर गुड शेल्फ लोकेशन, a green line for good shelf location, a blue line for medium shelf location. So if you look at the predictions now, agar aap wo pehle wala regression model let's say build sirf use karte,
जिसमें आप सिर्फ प्राइस को यूज करके यूनिट सेल्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो वो आपको सिर्फ एक सिंगल आउटपुट मिल रही थी. नाउ इफ यू ऑल्सो एड दिस अदर इनपुट शेल्व लोकेशन, और हर शेल्व लोकेशन के लिए यू आर लुकिंग एट योर प्रेडिक्शन सेपरेटली, तो आपकी प्रेडिक्शन ज्यादा एक्यूरेट होंगे. इफ यू नो कि आपकी शेल्व लोकेशन बैड है, यू नो कि ये आपकी यूनिट सेल्स इस रेड रीजन में रह रही है, जो आपकी रेड लाइन आपकी उसकी फोरकास्ट है. अगर आपकी सेल लोकेशन मीडियम है, तो वो ओवरऑल यूनिट सेल्स थोड़ी सी उससे हायर एक्सपेक्टेड है. अगर आपकी सेल लोकेशन गुड है, तो ये यूनिट सेल्स आर इवन हायर. ठीक है, तो हर सेल लोकेशन के लिए द ट्रेंड इज डिफरेंट. द ट्रेंड इज एज इन सिमिलर कि वो ऑलमोस्ट सेम स्लोप है, लेकिन जो आपका वाई इंटरसेप्ट है, आपका वो शिफ्ट हो गया ऊपर बेस्ड ऑन द सेल लोकेशन. डज दैट मेक सेंस? और इससे सर हमें कोई रेंज वगैरह पता चल रही है? रेंज इन द सेंस जैसे वो लाइन प्लॉट्स में हमें पता चल रहा था, वो जो स्ट्रेट लाइंस आ गई थी, तो उससे हमें रेंज भी पता चल रही थी कि मिनिमम क्या आ रहा है और मैक्सिमम क्या आ रहा है गुड होने पे या बैड होने पे. इसमें ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए, ये बेस्ट फिट लाइन जो होती है ना, दिस इज बेसिकली एन ओवरऑल ट्रेंड. तो इसमें अगर आपको वो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज की आप बात करें, वो तो आपके पास ये ग्राफ के अंदर वैसे ही शो हो रही है ना. ये जो डॉट्स आ रहे हैं नीचे, सबसे नीचे ये आपको शो कर रहे हैं मिनिमम वैल्यूज, और सबसे ऊपर आपको वो मैक्सिमम वैल्यूज मिल रही हैं. लेकिन वहां पे ऑफ कोर्स अगर शेल ब्लॉक के लिहाज से देखना है, तो मैं कह रहा हूं. अच्छा, वो भी देखते हैं. ओके, सो ये लाइंस आपने प्लॉट कर ली डिफरेंट तरह. लेट्स से हम पॉइंट्स को भी डिफरेंट कलर्स में. एक्सक्यूज मी सर, सर आई एम नॉट गेटिंग द लाइन. I have applied geom smooth, but I'm not getting the line. Okay, so are you getting any error? Yeah, kya issue kya hai? No, it's not. No error bhi nahi aa raha sir. Koi like it's plotting all the points, but line koi aa nahi rahi. Okay, so have you added plus here? Yes, I have. Have you run this command ek saath ikatthi? और तो कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पे. जस्ट टेक केयर ऑफ द सिंटैक्स. आप यहाँ पे मेक श्योर आप एंड पे ब्रैकेट्स आपके सही क्लोज हो रहे हैं. मे बी दैट कुड बी एन इशू. एंड पे यू शुड हैव टू ब्रैकेट्स हियर एज अ क्लोज ऑफ दैट स्टेटमेंट. आई डू हैव दैट. लेट मी ट्राई इट अगेन. या इट्स मोस्ट प्रोबब्ली अ सिंटैक्स इशू. तो वहां पे आप देखें कोई इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही. Okay. Now let's try another thing. So what we have seen here, we can also do this. Okay. हम जो points थे हमारे, उनको हम different colors में represent कर सकते हैं. So जो अभी तलहा बात कर रहे थे, that would be possible if we were to use this. आप ये जी प्लॉट फंक्शन को क्या करें, यू कैन रन दिस फंक्शन लाइक दिस. अगेन आपके पास फर्स्ट आर्गुमेंट इज गोइंग टू बी योर डेटा, एंड द सेकंड आर्गुमेंट वेयर यू हैव एस्थेटिक्स, आप एक्स और वाई की पोजीशंस के साथ, एक्स और वाई कि आपने ये आपने एक्स कोऑर्डिनेट पे रखना है, ये आपने वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे रखना है. यू कैन ऑल्सो एड अनदर थिंग, एंड दैट इज यू कैन से आई वॉन्ट टू शो these points as different shapes based on some variable. So let's say main yahan pe shelf location ki base par different shapes show karna chahta hu. So let me try to run this. It'll become clearer then. So I can do it like this. I can say iske se ek aur argument add kar diya shape ka, and I can run this. And when I run this, I get this result. You see what is happening here? Aapke paas ye side pe jo legend nazar aa raha hai, your bad is shown as a point, as a circle. Good is shown as a triangle. Medium is shown as a square or as a rectangle like this. Does this make sense? Yes. Aapne different shapes mein show kar di taaki you can differentiate between them ki kaun sa kisko represent kar raha hai, kis shelf location ko represent kar raha hai. Similarly you can do the same thing with the US as well.
आप वो भी एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है, ये आप सिर्फ कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में कर सकते हैं. कंटीन्यूअस में इट वुडंट मेक सेंस. कंटीन्यूअस वेरिएबल में दैट वुड मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड दैट्स नॉट पॉसिबल. इतनी सारी शेप्स अवेलेबल भी नहीं होगी ggplot के पास. तो कंटीन्यूअस वेरिएबल्स में इट वुड नॉट वर्क. यू कैन ओनली यूज कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हियर. सो इफ यू यूज यूएस हियर फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ व्हाट वी डिड अर्लियर, तो वो क्या करेगा, US की बेस पर डिफरेंट शेप असाइन कर देगा. दैट इज अगर आप US से बाहर हैं दैट विल बी अ सर्कल, इफ यू आर इनसाइड US दैट विल बी अ ट्रायंगल. एंड नाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन देम कि इसकी लोएस्ट सेल्स क्या हैं और ट्रायंगल की लोएस्ट सेल्स क्या हैं. एंड इंस्टेड ऑफ लेट्स से अ शेप, यू कैन आल्सो से ये शेप आर नॉट वेरी इजी टू let's say understand, मुझे बहुत ज़्यादा closely देखना पड़ रहा है कि what shape is a triangle, what shape is a circle. You can also say assign different colors to them instead of the shapes. Assign different colors to them. So यहाँ पे मैं shape की जगह color कर देता हूँ, and I will see something like this. So now we have different colors like this. ठीक है? Yes पे different color show हो गया, no पे different color show हो गया. Now it looks even easier to understand. If I were to change US to let's say some other variable, jo hum pehle use kar rahe the, shelf location, I could also do that. Shelf location ko kar kiya, to mujhe wo teen different colors mein show kar dega for bad, good, and medium. So now if I look at it here, in fact I have to change the axes, rise on the x-axis. Unit sales on the y-axis. I see something like this. ठीक है, आप देखें bad shelf location में, you can look at the graph. Most of the points are on the lower side. Good के अंदर most of the points are on the upper side, जहाँ पे sales ज़्यादा हैं. And medium के there's in the middle somewhere. ठीक है, so you can see this trend from the scatter plot like this as well. And now again. You can add those best fit lines here as well. आप यहाँ पे भी lines add कर सकते हैं. You can say plus geom smooth and let's put the method equal to lm and let's say add another dimension aesthetics. आप add कर लें इसमें. You could say aesthetics में color represent the color using the shelf location. And see if it works or not. So you see like this. So the standard error bhi yahan pe remove kar deta hu. Standard error is equal to false. So now you see those points in different colors and also their lines according to that. The lines are also shown in different colors like that according to the points. Now let's say aapke paas kuch clutter ho raha hai yahan pe. And you cannot see some points clearly. You have this other argument, geom point ke andar, which is an alpha argument. Usse kya hota hai? You can assign some transparency. Ki abhi to sare solid show ho rahe hain. Agar main isko let's say 0.7 transparency assign kar deta, that would mean that this is 70% solid and 30% it's blank sort of. So let's say agar main 0.5 kar deta, that's 50% transparency. तो वो थोड़ा सा और लाइट हो जाएंगे एंड इट माइट मेक इट अ बिट इजीयर टू अंडरस्टैंड जहां पे पॉइंट्स ओवरलैप हो रहे हैं. सो वी विल सी बोथ ग्रीन एंड ब्लू वेयर दे आर ओवरलैपिंग. वी कैन सी बोथ रेड एंड ग्रीन हियर वेयर दे आर ओवरलैपिंग. सो यू कैन आल्सो यूज दैट ट्रांसपेरेंसी आर्गुमेंट व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा हियर. ठीक है, सो दीज आर सम थिंग्स दैट वी कैन डू यूजिंग दिस. आई एम गोइंग टू पोस्ट एन असाइनमेंट सो यू कैन डू सम प्रैक्टिस इन दिस. And we're going to stop here for today and we'll start again. We'll continue from here next time, inshallah. Okay, I'll stop here. I will not be able to take questions today. I need to stop here. Agar aapke questions hain specifically related to this, you can WhatsApp me. And in fact, you don't have my number. You can post on Google Classroom. Ab wahan pe mujhse pooch sakte hain. ठीक है, सो विल स्टॉप हियर एंड दैट्स इट फॉर टुडे. ओके, ग्रेट.
ओके अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.